गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल तक जो हमने पढ़ा हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं। मैं आपको पीडीएफ भेज चुकी हूँ जितना हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम आगे का पढ़ रहे हैं कि समतल के दो पार्श टू साइड्स ऑफ अ प्लेन, यानी कि अगर कोई पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट अगर किसी समतल में अगर आपको दिए रखे हैं तो वो समतल में स्थित है या नहीं, और अगर हैं तो वो किस साइड में है, एक ही साइड में है या वो अपोजिट साइड में है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कोई भी दो पॉइंट आपको दे रखे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 किसी समतल के अंदर जो समतल में स्थित नहीं है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों पॉइंट इस समतल में एक ही साइड में है या अपोजिट साइड्स में है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों बिंदु हैं ये क्या करेंगे, समतल में एक लाइन बनाएंगे। उस लाइन को मान लीजिए ये समतल, उस लाइन के कारण ये समतल को 1:k:1 के रूप में विभाजित करते हैं। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएंगे, k(x2+x1)k+1, k(y2+y1)k+1 और k(z2+z1)k+1। चूँकि ये बिंदु समतल में है तो ये समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, अतः हम ये पॉइंट जो है समतल के समीकरण में रख देते हैं तो हमारे पास k की एक वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो जब ये जो ax1+by1+cz1+d और a/ax2+by2+cz2 यानी जो दोनों समतल के समीकरण दे रखे हैं, ये समतल के समीकरण में जब हम वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास k का मान अगर ऋणात्मक आता हो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि समतल के जो बिंदु हैं दोनों, वो मिलाने वाली जो रेखा है वो उसको क्या कर रही है, बाय विभाजक कर रही है, और बाय विभाजक कर रही है इसका मतलब ये है कि ये समतल के एक ही ओर में स्थित है। अगर इस k का मान पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ जब वैल्यू रखते हैं और k की वैल्यू जब पॉजिटिव आ जाती है, तो जब k की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी इसका मतलब है कि ये जो रेखा, ये जो k:1 में जो रेखा विभाजित करी समतल को, ये कैसा विभाजक होगा, अंतर विभाजक होगा, और ये दोनों बिंदु समतल के किस ओर होंगे, विपरीत पार्श्व की ओर स्थित होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि समतल के दो पार्श्व, यानी कि समतल में जो पॉइंट्स है वो उसके अपोजिट साइड में है या समतल के एक ही ओर है, ये हमें ज्ञात करना है। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन, किसी बिंदु से की समतल से लंबवत दूरी। हम जानते हैं कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण होता है lx+my+nz=p। मान लीजिए कोई पॉइंट x1 y1 z1 दे रखा है, जो lx+my+nz=p है उसके पैरेलल हमने एक इक्वेशन ले ली समतल की इक्वेशन, वो क्या होगी, lx+my+nz=p1। ठीक है, इस p1 पर मूल बिंदु, ये जो p1 है वो क्या है, समतल पर मूल बिंदु की लंबवत दूरी दे रखी है। तो समतल का जो समीकरण सेकंड दे रखा है ये किस पॉइंट से भी गुजरेगा, x1 y1 और z1 से भी गुजरता है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, lx1+my1+nz1=p1। तो p से समतल की लंबवत दूरी निकालने का मतलब क्या होगा, p-p1। p1 की वैल्यू आपको क्या है, lx1+my1+nz1 गिवन है। ठीक है, तो देन हमारे पास जो समतल की इक्वेशन निकाल गए, मतलब कि समतल की लंबवत दूरी जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, lx1+my1+nz1, और ये चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, मॉड का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब समतल का समीकरण, अब यही जब समतल का समीकरण व्यापक दे रखा हो, अभी हमने जो पढ़ा वो कौन सा था, अभिलंबीय रूप दे रखा था। अब जब समतल का समीकरण हमें कौन सा दे रखा है, व्यापक समीकरण दे रखा है, तो वो तब समतल के समीकरण की इक्वेशन क्या होती है, ax+by+cz+d=0 हमारे पास होती है। तब लंबवत दूरी निकालने का सूत्र क्या है, ax1+by1+cz1+d/a, b और c जो कोफिशियंट्स दे रखे हैं उन सबके स्क्वायर को प्लस करके आपको क्या निकालना है, इसका रूट्स निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, दो समतल के बीच के कोणों के अर्धक समतल। मान लीजिए कि दो प्लेन आपको दे रखे हैं, तो दो प्लेन दे रखे हैं, ax1+by1+cz1+d1=0 और a2x+b2y+c2z+d2=0। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टिंग क्या होगी, आपके पास इक्वेशन बाइसेक्टिंग होगी a1x+by1+cz1+d1/a1√(√(+-a2x+b2y+c2z+d2)/a2²+b2²+c2²). ओके, फिर इसी, अब इनके आधार पे हमें क्वेश्चन करने हैं, ये इतना ही मैटर है। ठीक है, इसके आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 2, 3, -5 and 3, 4, 7 फ्रॉम द प्लेन x+2y-2z=9। ऑल्सो वेदर द टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम और अपोजिट साइड्स ऑन द ऑफ द प्लेन। क्या कह रहा है ये कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इन जो आपको क्या करनी है, दूरी निकालनी है इन दोनों पॉइंट से, किससे, इस समतल की, इन दोनों पॉइंट से दूरी निकालनी है, और ये भी बताना है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो एक ही साइड में होंगे या अपोजिट साइड में होंगे प्लेन के। हमको गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x+2y-2z=0, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों पॉइंट से दूरी निकालनी है, तो फर्स्ट 2, 3 और -5 से हम क्या निकालते हैं, इसकी लंबवत दूरी निकालते हैं, जिसका सूत्र हमने अभी
पढ़ा था कि ए एक्स वन प्लस बी वाई, जब समतल का व्यापक समीकरण दे रखा होता है, जब हमने ऊपर देखो यहाँ देखा है कि जब समतल का व्यापक समीकरण दे रखा होता है तब उसकी लंबवत दूरी निकालने का सूत्र ये होता है एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। इस सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पे किया। हमें पॉइंट सबको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, टू थ्री माइनस फाइव। तो हमने एक्स वन की जगह, y1 की जगह और z1 की जगह इनकी वैल्यू को पुट कर दिया और इनके कोफिशियंट जो है a, b और c के जो कोफिशियंट का स्क्वायर करके प्लस किया, देन हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। इसी तरह से हमने पॉइंट 347 की भी दूरी निकाल ली। तो ये तो हमें इन दोनों पॉइंट से दूरी जो निकालनी थी वो निकालनी। अब हमें ये पता करना था कि ये जो सब पॉइंट्स हैं वो समतल के एक ही साइड में है या अपोजिट साइड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमको दे रखे हैं वो हम जो इक्वेशन फर्स्ट है उस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, उसके अंदर आप इसके अंदर रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने इन पॉइंट्स को रखा है ना एक्स वन वाई वन जेड एक्स वाई जेड की जगह पे, तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह जब हमने 347 पॉइंट रखा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, माइनस 12 आई, जो कि क्या है, नेगेटिव है। यानी एक हमारे पास जो वैल्यू निकल आई पॉजिटिव और नेगेटिव निकल गई। तो दोनों बिंदुओं के समतल के समीकरण के मान क्या होंगे, विपरीत चिन्ह के प्राप्त होते हैं। तो दोनों पॉइंट्स क्या आएंगे, अपोजिट साइड, यानी एक साइड है और एक इसमें, तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। ओके।